हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय बायोलॉजी। तो हमने लास्ट टाइम कॉकरोच के अंदर माउस पार्ट की बात करी थी, आज हम कॉकरोच के अंदर बॉडी पार्ट्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो हमने कॉकरोच के बॉडी पार्ट में हेड पार्ट को कवर कर लिया था, आज का हमारा टॉपिक कवर करेगा थोरेक्स को और थोड़ा सा पार्ट हमारा कवर करेगा आज एब्डोमेन को। तो कॉकरोच की बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हमने हेड के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी, बात करते हैं थोरेक्स की। तो जो इनके पास थोरेक्स होता है ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है और उनके नाम क्या हैं। पहला पार्ट जो आता है उसमें बोलते हैं प्रोथोरेक्स, सेकंड पार्ट इज मेसोथोरेक्स, द थर्ड पार्ट इज मेटाथोरेक्स। ये इनके पास थोरेक्स के फर्दर तीन डिवीजन होते हैं, जो प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अगर हम इनको यहाँ पर बनाएं कुछ इस तरीके से, तो हम क्या देखते हैं कि हर एक थोरेक्स से वन पेयर ऑफ लेग, हर एक थोरेक्स से वन पेयर ऑफ लेग हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब हर एक पेयर से, हर एक थोरेक्स से हमें वन पेयर में लेग देखने को मिल जाते हैं। सो हम कहेंगे कि एक पेयर लेग आपके प्रोथोरेक्स से, एक पेयर लेग मेसोथोरेक्स से, एक पेयर लेग मेटाथोरेक्स से। दैट मींस तीन पेयर में आपके लेग्स देखने को मिलेंगे। तो हम बोलेंगे कि थोरेक्स में क्या होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग। तो थोरेक्स के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, थोरेक्स के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिल, जिसे हम बोल रहे हैं लेग। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हम थोरेक्स में देखेंगे वो है विंग। तो हमें थोरेक्स के अंदर दो चीज़ें देखने को मिलेंगे, एक लेग और एक विंग्स। तो आइए हम बात करते हैं लेग की। ये एक लेग का डायग्राम है जो हमें कॉकरोच में देखने को मिलता है। ये फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं कॉक्सा, सेकंड पार्ट इज ट्रोकेंटर, द थर्ड पार्ट इज फीमर एंड नेक्स्ट पार्ट इज टीबिया, और जो लास्ट का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है दिस इज टार्सस। तो यहाँ पर आप देखेंगे टार्सस के हमें अंदर पांच पार्ट मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हम बोलते हैं टार्सस आपके पांच टार्सोमर से बने होते हैं। मतलब टार्सोमर आपके क्या बनाते हैं, टार्सिस बनाते हैं। और जो सबसे लास्ट का टार्सस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्री टार्सस, इसको हम बोलते हैं प्री टार्सस। इस प्री टार्सस से हमें पॉइंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। दीज आर द क्लॉज ऑफ द कॉकरोच। तो ये पंजे होते हैं कॉकरोच के, और यहाँ पे जो आप ये एक बल्बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज पल्विनस स्ट्रक्चर। ये एक पल्विनस स्ट्रक्चर है, और आप देखेंगे कि हर एक टार्सोमर से आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज नोन एज प्लांट्यूले, दिस इज प्लांट्यूले। सो यहाँ पर आप लेग के अंदर कितने पार्ट्स देख रहे हैं, आप लेग के अंदर पहला फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं कॉक्सा, सेकंड इज ट्रोकेंटर एंड थर्ड इज फीमर एंड नेक्स्ट इज टीबिया एंड लास्ट वन इज टार्सस। तो ये आपको पांच पार्ट देखने को मिल रहे हैं, ये पांचों पार्ट के नाम आपको आने चाहिए। बट अगर आप सीबीएसई पर फोकस कर रहे हैं तो ये नाम आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हर एक थोरेक्स से वन पेयर ऑफ लेग अराइज होते हैं, तो टोटल इनके पास थ्री पेयर ऑफ लेग होंगे, यानी कि सिक्स लेग, इनके पास छः पैर होते हैं, ठीक है। सो ये इनके थोरेक्स के अंदर हो गई लेग की डिटेल। ध्यान रखिएगा इन क्लॉज की हेल्प से इनकी रनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज विंग्स की बात करते हैं। अब अगर हम विंग्स की बात करें,
तो आप देख रहे थे कि हर एक थोरेक्स से वन पेयर ऑफ लेग निकल रहे थे, लेकिन विंग्स के केस में क्या होता है, प्रोथोरेक्स से कोई विंग अराइज नहीं होती, जबकि मीजोथोरेक्स से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हमें देखने को मिल जाएंगे। देन सेकंड पेयर ऑफ विंग कहाँ से अराइज होते हैं आपके, मेटाथोरेसिक एरिया से। दैट मीन्स सेकंड पेयर ऑफ विंग कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे मेटाथोरेसिक से। तो जो विंग्स मीजोथोरेसिक से मीजोथोरेक्स से अराइज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजोथोरेसिक विंग्स, और जो विंग्स मेटाथोरेक्स से अराइज होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाथोरेसिक विंग। आप यहां पर देख रहे हैं प्रोथोरेक्स पे कोई विंग नहीं है, विंग सिर्फ और सिर्फ मीजो और मेटा के पास होती है। जबकि हम लेग की बात कर रहे थे तो वन पेयर ऑफ लेग यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन विंग सिर्फ इन दो पोर्शन के पास है। तो ये आपको याद होना चाहिए, विंग सिर्फ इन दोनों के पास होता है, जिसमें से जो मीजोथोरेसिक के जो विंग्स होते हैं ये फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते, ये फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते, जबकि आपके मेटाथोरेसिक विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। मतलब अगर कॉकरोच उड़ता है तो कॉकरोच के उड़ने में कौन से विंग हेल्प करते हैं, मेटाथोरेसिक विंग हेल्प करते हैं। अगर आप मेटाथोरेसिक विंग को देखेंगे तो ये आपको कॉनिकल, मतलब इनका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, जबकि आपके मीजोथोरेसिक विंग के अंदर इनका कोई एंड पॉइंटेड नहीं होता। तो ये बहुत कॉमन सी पहचान है जो हमें देखने को अंदर मिल जाती है। और इसके अंदर एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसको हम नर्वोरस भी कहते हैं। नर्वोरस क्या होता है, नर्वोरस एक तरह का ट्यूबुलर कनेक्शन होता है। इस ट्यूबुलर कनेक्शन के अंदर कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो ब्लड इसके अंदर स्विम करता है, मतलब ब्लड इसमें फ्लोट करता है। सो ये जो आप ट्यूबुलर सिस्टम देख रहे हैं, इस ट्यूबुलर सिस्टम को बोलते हैं नर्वोरस, और इस नर्वोरस के अंदर जो ब्लड, जो कॉकरोच का ब्लड है वो ब्लड इसके अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हम कि विंग्स के अंदर डायरेक्ट ही ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये आज आपका थॉरेक्स का पोर्शन कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच। थैंक यू।